अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बन चुके हैं। आपको बता दें कि जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। वहीं उनसे पहले कमला हैरिस ने देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वह देश की 29वीं उपराष्ट्रपति हैं। इस तरह से अमेरिका में बुधवार रात बाइडेन युग की शुरुआत हो गई है। यहाँ यह भी बता दें कि जो बाइडेन देश के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बने हैं, वहीं कमला हैरिस पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति बनी है। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह में कोरोना का भी असर दिखा। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर दूर बैठे दिखाई दिए। 1200 से ज्यादा लोग इस समारोह में शामिल हुए। बुधवार को एक ऐतिहासिक समारोह में अमेरिका के 46वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। डेमोक्रेटिक नेता बाइडेन को प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कैपिटल बिल्डिंग के वेस्ट फ्रंट में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनसे पहले कमला हैरिस ने देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। बता दें कि उन्हें अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने का गौरव भी हासिल हुआ है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ लेने के बाद कहा कि अमेरिका में हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाएगी। अमेरिका विभाजनकारी धार्मिक भेदभाव नक्सलवाद को खारिज कर अपना एकजुट चेहरा पेश करेगा। हम अमेरिका को एकजुट करेंगे। यह लोकतंत्र का दिन है, यह अमेरिका का दिन है, यह उम्मीद दोबारा खड़े होने और हर चुनौती से निपटने का दिन है। बाइडेन ने अपने संबोधन में कहा कि जनता की इच्छाओं को सुना और समझा गया है। श्वेतों को श्रेष्ठ मानने की मानसिकता घरेलू आतंकवाद को हराएंगे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हर अमेरिकी हमारी इस लड़ाई में शामिल हो। बताते चले कि जो बाइडेन और कमला हैरिस ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। यहाँ यह भी बता दें कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह का आकार कोरोना महामारी और सुरक्षा खतरों के मद्देनजर छोटा किया गया था। शपथ ग्रहण के पहले जो बाइडेन ने कहा कि यह अमेरिका के लिए नया दिन है। बाइडेन ने निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल खत्म होने के बाद व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद ट्वीट लिखा है। कहा है कि यह अमेरिका के लिए नया दिन है। शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन स्थल पर तथा आसपास 25,000 से अधिक नेशनल गार्ड तैनात थे ताकि सत्ता हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। जो बाइडेन और हैरिस शपथ से पहले गिरजाघर में प्रार्थना सभा में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बाइडेन शपथ लेने के बाद पेरिस जलवायु समझौते और विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को फिर से जोड़ेंगे। जो बाइडेन शपथ लेने के बाद 17 आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे। वे निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले आवर्जन पर्यावरण कोविड-19 के खिलाफ जंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अलग राह अख्तियार करेंगे। समारोह में कई सेलिब्रिटी भी शामिल हुए। समारोह में शामिल होने वाले लोगों की सूची में लेडी गागा, जेनिफर लोपेज और गार्थ ब्रुक्स और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, लॉन लिजेंड, डेमी लोवाटो, फू फाइटर, जस्टिन टिम्बरलेक सहित कई गणमान्य लोग शामिल रहे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.